तो गाइस यहाँ पे काफी इंतजार कराया वन प्लस वालों ने, बट फाइनली गाइस वन प्लस लेकर आ चुका है अपना वन प्लस 9RT। बट आज हम बात करेंगे वन प्लस 9RT के पूरी सच्चाई के बारे में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं नेशनल टेक चैनल को। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस हम पहले बात करते हैं उसके डिजाइन के बारे में। तो वन प्लस 9RT की डिजाइन की बात करें अगर बैक साइड में, तो यहाँ पे कंप्लीट मैट फिनिश में आपको मिलता है और यहाँ पे टू कलर वेरिएंट रखे गए हैं, एक है हैकर ब्लैक और दूसरा है सेक नैनो सिल्वर। वैसे तो 9R से मिलता जुलता है बट यहाँ पे थोड़ा सा साइज में 19-20 है, बट खैर इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली हमको। ये फोन आपको मिलने वाला है 200 ग्राम का, मतलब इतना वेट तो सही है बट इतना एनीवेज। यहाँ पे गाइस हम नीचे की बात करें तो नीचे लगा है एक हमारा स्पीकर जहाँ से हम साउंड वगैरह सुन सकते हैं, और उसी के साथ साथ लगा है हमारा USB-C पोर्ट जहाँ से हम चार्जिंग को मोबाइल को फुल कर सकते हैं, फुल्ली चार्ज कर सकते हैं। तो USB-C पोर्ट इस काम में आ जाएगा। और उसी के साथ लगा है हमारा सिम ट्रे, मतलब यहाँ पे आप सिम कार्ड को डाल सकते हैं और नेटवर्क वगैरह काफ़ी सही चलने लगेगा। मतलब गाइस यहाँ पे आपको हेडफोन जैक का ऑप्शन नहीं मिलता गाइस। और आगे हम बात करें उसके डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा मिलता है, मतलब कि भाई 6.62 इंचेस का फुल HD प्लस E4 AMOLED डिस्प्ले आपको मिलता है इस फोन में, और 120 हर्ट्ज एंड 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट यहां पे मिलता है। मतलब कि भाई सब हम सबका प्यारा कवर स्क्रीन यहां पे नहीं आती क्योंकि वो प्रो वेरिएंट के साथ चली जाती है। मतलब यहां पे OnePlus ने कुछ अलग ही किया है कि भाई प्रो वेरिएंट में आती है कवर स्क्रीन। गाइस अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहां पे Snapdragon 888 5G के प्रोसेसर हमको मिलने वाला है, अगेन 5mm चिप के साथ में। और आगे हम बैटरी की बात करें तो बैटरी यहाँ पे आपको मिलती है 4500 की बैटरी आपको यहाँ पे मिलती है गाइस, और चार्जिंग आपको मिलता है 65W का फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे हाफ एन आवर में आपको 0 to 100 यहाँ पे चार्जिंग हो जाएगा फोन। यहाँ पे 2 वेरियंट में फोन आता है 256 एंड 12GB रैम के साथ में, और 128 एंड 8GB रैम के साथ में, जो कि यहाँ पे प्राइसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे 12GB रैम वाला की प्राइसिंग यहाँ पे रहने वाली है 46999 एंड 8GB रैम वालों की यहाँ पे प्राइस रहने वाली है 42999। बट इसमें आता है ऑक्सीजन OS 11 जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। मतलब गाइस काफी डिले हो गया ये फोन लॉन्च करने में इंडिया में, बट चाइना में अभी 10 सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं और इंडिया में अभी भी पुराने फोन लेकर बैठे हैं, क्योंकि डिलीवरी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रही है इसीलिए शायद ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन OS 12 दे देना चाहिए था गाइस, यहाँ पे कुछ तो फायदा होता डिले होने का, बट इट इज टू लेट। एक तो फोन भी लेट हो गया और इसमें ऑक्सीजन OS 12 भी नहीं आया, तो एक माइनस पॉइंट है गाइस, आप नोटिस करना। खैर छोड़ो गाइस, अगर हम बात करें कनेक्टिविटी के बारे में तो कनेक्टिविटी यहाँ पे काफी तगड़ी मिलने वाली है गाइस। अगेन ये 5G फोन है और इसमें लगी है 8 5G बैंड, मतलब कि भाई साहब ये बढ़िया बात हो गई हमारे लिए। लेटेस्ट वाईफाई 6 आता है और ब्लूटूथ आपको 5.2 है एंड वाईफाई कॉलिंग का भी आपको सपोर्ट मिलता है गाइस। तो गाइस अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि हमारा सबका प्यारा फेवरेट है कैमरा। चलिए गाइस हम बात करते हैं कैमरे के बारे में। जहाँ पे हम प्राइमरी कैमरे की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी कैमरा गाइस आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है, और 16 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो कैमरा मिलता है गाइस। मतलब ये कुछ हजम नहीं हो रहा गाइस, क्योंकि 40-50 हज़ार आप फोन के लिए दे रहे हो और 2 मेगापिक्सल का कैमरा आपको दे रहा है। कैमरे में एक माइनस पॉइंट है, मतलब आप 40 हज़ार दे रहे हैं और आपको 2 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है, दैट इज नॉट अ गुड। मतलब यार ये वाला पॉइंट दिल में चुपता है यार। बट एनीवेज गाइस, आप इसमें प्राइमरी कैमरे से 4K वीडियो शूट कर सकते हो, अगेन 60fps पर, एंड 1080p पर आप 24Hz के साथ शूट कर सकते हो वीडियो वगैरह, काफी स्मूथ चलने वाला है गाइस। बट आगे आपको सेल्फी कैमरे में आपको 1080p का ही सपोर्ट मिलता है गाइस। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको 4K का सपोर्ट नहीं मिलता। इससे तो कोई दिक्कत नहीं है फोन में, काफी सिमिलर है पुराने 9R के साथ में, बट थोड़ी सी उसने कुछ चेंजिंग वगैरह की वन प्लस वालों ने,
तो ये थी पूरी कहानी वन प्लस नाइन आर टी को लेकर। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।